Hello dear students, myself Prashna. I am English teacher. Today I am going to start lesson 4, the four friends. You know well, four means char, friends means dost ya mitra. It means this story is based on four friends. My dear students, firstly open your book, chapter 4, the four friends, page number 48. Now let's read this story. One day a peacock plants a little seed. एक दिन एक मोर, एक पिकॉक क्या करता है? Seed means बीज होता है. A rabbit comes there. फिर वहाँ अचानक कौन आ जाता है? Rabbit. Seed asks, can I help? और वह पिकॉक से पूछती है, can I help? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? Turn to page number 49. Yes, the peacock. Says the peacock. Peacock कहता है yes, हाँ, you can help me, तुम मेरी मदद कर सकती हो. Please water the seed. Seed means बीज. Please water the seed. बीज को पानी दो. The rabbit waters the seed. तो rabbit क्या करती है? Rabbit seed को पानी देती है. Then फिर a monkey comes here. अब वहाँ कौन आता है? A monkey. He asks, can I help? वह rabbit से पूछता है, can I help? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? Yes, says the rabbit. Rabbit कहती है, हाँ. Please feed the seed. Seed को feed कराओ. Feed means भोजन या खाना खिलाओ. So the monkey feed the seed. इसलिए monkey क्या करता है? Monkey seed को feed कराता है, भोजन कराता है. Then there comes an elephant. अब वहाँ कौन आ जाता है? Good, an elephant. अब वहाँ एक elephant आ जाता है. He asks, can I help? वह पूछता है, can I help? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Yes, says the monkey. Monkey reply करता है कि हाँ, you can help me. आप मेरी मदद कर सकते हो. Please guard the seed. Guard means रखवाली करना. आप सीड्स की रखवाली कर सकते हो. सो द एलिफेंट गार्ड्स द सीड. अब एलिफेंट क्या करता है? सीड्स की रखवाली करता है. द लिटिल सीड ग्रोज इन टू अ लिटिल प्लांट. ग्रो मीन्स बढ़ना. द लिटिल सीड, वो जो छोटी सी बीज थी, ग्रोज इन टू अ लिटिल प्लांट. अब वह क्या हो गया? अब वह पौधे भी चेंज हो गया है. द लिटिल प्लांट ग्रोज इन टू अ बिग ट्री. और जो प्लांट था, अब वो किस में चेंज हो गया है? बिग ट्री में, एक बहुत बड़े पेड़ में. इट मीन्स वो ग्रो कर गया, बढ़ गया. बिग बड़ा. रेड एप्पल्स ग्रो ऑन द ट्री. और उस ट्री पे अब क्या आ गए हैं? फल लग चुके हैं. रेड एप्पल्स. डियर स्टूडेंट्स, टर्न टू पेज नंबर 50. आई कैन नॉट रीच द एप्पल्स, क्राइज द एलिफेंट. एलिफेंट चिल्लाता है, कहता है कि आई कैन नॉट रीच द एप्पल्स, मैं एप्पल तक नहीं पहुंच सकता. आई कैन हेल्प, सेज द मंकी. मंकी कहता है, आई कैन हेल्प, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ही जंप्स ऑन टू द एलिफेंट्स बैक. तो मंकी क्या करता है? मंकी एलिफेंट के बैक पर, पीठ पर जंप करता है, कूदता है. आई कैन नॉट रीच द एप्पल्स, क्राइज द मंकी. अब मंकी, पहले तो एलिफेंट ने कहा कि मैं एप्पल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, इसलिए उसकी मदद किसने की? मंकी ने. अब मंकी क्या करता है? एलिफेंट के बैक पे जंप करता है. अब वो भी एप्पल तक नहीं पहुंचता, इसलिए वो भी चिल्लाता है कि आई कैन नॉट रीच द एप्पल, आई कैन हेल्प, सेज द रैबिट. रैबिट वहाँ आता है और कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. सी जंप्स ऑन टू द मंकीज बैक. और वह क्या करती है? वह मंकी के बैक पर जंप करती है. आई कैन नॉट रीच द एप्पल्स, सेज द रैबिट. रैबिट भी क्या करती है? कहती है कि आई कैन नॉट रीच द एप्पल्स, मैं भी एप्पल तक नहीं पहुंच सकती. आई कैन हेल्प, सेज द पिकॉक. वहां कौन आ जाता है? पिकॉक. पिकॉक कहते हैं, आई कैन हेल्प, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. नाउ अब वी कैन रीच द एप्पल्स. वो क्या करते हैं? ही जंप्स ऑन टू द रैबिट्स बैक.
पीकॉक रैबिट के बैक पर, रैबिट के पीक पर जंप करता है। नाउ अब वी कैन रेज द एप्पल्स, सेज द पीकॉक। पीकॉक कहता है अब हम एप्पल तक पहुंच सकते हैं। नाउ द फोर फ्रेंड्स आर हैप्पी। अब सारे फ्रेंड्स लाइक एलिफेंट, रैबिट, मंकी एंड एलिफेंट क्या है, बहुत ही खुश हैं। व्हाई दे वर्क टुगेदर, दे साथ काम करते हैं। नाउ दे हैव यम्मी एप्पल स्वीट। अब उनके पास खाने के लिए क्या है, स्वीट एंड यम्मी एप्पल्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।